उड़ीसा की भरत देखें कि भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इस प्रकार से अवतरित हो। जब अवतरित हो गए तो यही खबर जाकर के महाराज को भेजी, महाराज की जय हो, आपके यहाँ चार राजकुमारों का अवतार हुआ। बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने जाकर के उनको बैठ कर दिया, अपना भार कर दिया। क्या सुना? बोले दशरथ पूर्व जन्म सुने काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना। दशरथ जी महाराज ने अपने कानों से क्या सुना? दशरथ पुत्र तो क्या आनंद प्राप्त हुआ? ना आनंद है ना परमानंद है, ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ, मानव ब्रह्मानंद। तो ये अपने मन में विचार करने लगे, देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ इन्होंने भगवान माना, उनको ब्रह्म माना, हमारा दशरथ जी ने आगे चलते भूल जाएगा कैसे माना। बोले जाकर सुनते सोपे हो, हो जाते हैं वो मेरे घर में आए हुए हैं। जहां जाकर के वहां पहुंचे और अपने राजकुमारों को देखा और गोदी में लिया, उसी समय सब भूल गए, कुछ मत व्यवहार करने लगे। अब महाराज दशरथ जी के नाम कौशल्या के नाम कह गई कि भरत सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण। यहाँ एक बात विशेष है, क्योंकि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, महाराज गुरु ने जो नामकरण किया, सबसे बाद में लक्ष्मण का नाम आया है, पहले राम का आया है, ये किस प्रकार से हुआ? तो उन्होंने यहाँ समझाते हुए बताया है कि देखिए, जो कौशल्या ने भाग दिया सुमित्रा को, उससे लक्ष्मण का कह कही नहीं, जो भाग दिया सुमित्रा को उससे शत्रुघ्न का अवतार हुआ। तो शत्रुघ्न भरत भाई भाई और राम और लक्ष्मण भाई भाई, इस प्रकार से इनका प्रेम और वे ब्रह्म है, ये अवतार राम है ऊपर से जी महाराज नीचे, कल भगवान कृष्ण के अवतार की लीला होगी। और अच्छी बात है, आज तो रात हो संख्या हो गई और आप लोग जो है आए तो 3 बजे की अगर आ जाए तो 3 से 4 घंटे सात की कथा हो रही। कल चौथा दिवस है, भगवान कृष्ण के अवतार की लीला होगी, वहां लीलाएं होगी, स्मरण होगा, वहां जाकर के फिर विवाह होंगे, द्वारका पुरम से भी विवाह होंगे, सामाजिक होगा इसलिए भगवान के नाम का उच्चारण किए इसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, प्रसाद लेकर के याद आइए और कल ठीक 3 बजे आ जाए।